हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे और नए वीडियो लेक्चर के लिए वेट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया, हमने कॉसेल लुइस की थियोरी का स्टार्टिंग ब्रीफिंग कंप्लीट किया। आज हमें नए टॉपिक पे जाना है, ठीक है, और आज ही के लेक्चर में हम लोग कॉसेल के पोस्टुलेट्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ओके, चलिए। तो हमने कल ही देखा कि भाई जितने भी कॉसेल लुइस का ये बोलना होता है कि दुनिया में जितने भी एटम्स हैं, जब वो केमिकल रिएक्शन से कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो मॉलिक्यूल में सारे एटम का ऑक्टेट कन्फिग्रेशन होना जरूरी है। और अगर एटम का ऑक्टेट कन्फिग्रेशन नहीं हुआ तो फिर वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, ऐसा कॉसेल लुइस का बोलना था। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स टेंड टू अटेन ऑक्टेट कन्फिग्रेशन। एटम्स क्या ट्राई करते हैं? ऑक्टेट कन्फिग्रेशन करने का टाइम ट्राई करते हैं। अब एटम इनमें से दो चीजें कर सकता है ऑक्टेट करने के लिए। एटम जो है वो अपना ऑक्टेट करने के लिए इनमें से दो चीजें, कोई भी एक चीज कर सकता है, ये दो चीजों में से कोई भी एक चीज, लाइक वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज बोल सकते हो आप। किसी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो सामने किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एंड दूसरा आपने बोल सकते हैं दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। ये दो चीजें वो कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर में आप ये समझ सकते हो कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन किसी ने डोनेट किया तो किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एंड सेकेंड वो कर सकता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन उससे पहले, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़े, उससे पहले एक टॉपिक है जो इसी टॉपिक के बाद आता है, दैट इज लुइस सिंबल। क्या टॉपिक है? दैट इज लुइस सिंबल। बेसिकली लुइस का ये बोलना था कि हमें अगर कोई भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो हमें ये सीखना चाहिए कि भाई एटम के सिंबल कैसे लिखेंगे। तो उनके कहने के मुताबिक एटम्स के सिंबल बनाओ और उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने डॉट बना दो। इस तरह से एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा लुइस का कहना है। समझे? लाइक हम लोग ने लिया है, जैसे हमने लिया यहां पर टेक्स्ट बुक के अंदर लिथियम लिया। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 रहता है, जिसके मुताबिक 2.1 आएगा आउटर मोस्ट में। अब इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 डॉट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लाइक हमने बेरिलियम लिया, जरा ध्यान से देखना, लाइक हमने बेरिलियम लिया है Be, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि 2.2 है, बराबर। हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे यहां पर? 2 डॉट बनाएंगे, 2 डॉट्स। फिर थर्ड एग्जांपल लिया, लाइक बोरॉन लिया है, तो उसमें 2.3 आएगा क्योंकि लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर क्या होगा? 3 डॉट्स बनाने होंगे हमें। फिर बोरॉन के बाद क्या आएगा? कार्बन, 2.4 आएगा, तो वहां पर 4 डॉट्स बनाने पड़ेंगे। फिर कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन, 2.5, 5 डॉट्स बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर क्या आएगा? ऑक्सीजन, तो क्या आता है? 2.8 आता है, 2.8 कितने, सॉरी 2.6 आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, हम लोग 6 डॉट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, आता है 2.7, तो कितने डॉट्स बनाएंगे? 7, 1, 2,
चार, पांच, छह और सात। उसके बाद हम क्या लेंगे, नियॉन लेंगे, 2.8, आठ इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि आउटर मोस्ट में आठ है, तो 8.2, 4, 6 और ये 8। ठीक है, तो ऐसा लुईस का मानना था कि आप अगर एटम को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इस तरह से शो करो, यानी कि उसके अंदर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी शो करो। ऐसा लुईस का मानना था कि भाई हमें उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी शो करना चाहिए, ऐसा लुईस का मानना था जो हमने वहाँ पर बना दिया। इससे हमें ये भी आइडिया आता है कि एटम के अंदर कितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम के अंदर कितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी अंदाज़ा हमें आ जाता है। दिस इज कॉल्ड लुईस सिंबल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल्स बोलते हैं। By representing these symbols, we can know the valence electrons. हम लोग valence electrons के बारे में भी जान सकते हैं। We can know about the valence electron also. अब इस पे से ये सारी थियोरी को स्टडी करने के बाद कॉसेल ने हमें कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, कॉसेल लुईस थियोरी थी ना, तो कॉसेल ने कुछ हमें आउटपुट्स दिए। तो पहला आउटपुट क्या था, इन पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन and highly electropositive alkali metal are separated by noble gases. ठीक है, in modern periodic table NPT में, अब ध्यान से सुनना, halogens जो होते हैं यानी कि group number 17 के elements, वो highly electronegative होते हैं। the highly electronegative the highly electronegative halogens and highly electropositive and highly electropositive alkali metals are separated by noble gas ठीक है, कैसे सेपरेट किया जाता है, नोबल गैस के जरिए। नेक्स्ट हम लोग है पेज नंबर, बच्चों ध्यान देना, पेज नंबर 101 पे हम है, नंबर टू है द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हेलोजन एटम एंड अ पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन अल्कली मेटल एटम इज एसोसिएटेड विद द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द रिस्पेक्टिव एटम। देखो अब क्या होता है, हेलोजन जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट करता है और अल्कली मेटल पॉजिटिव चार्ज का, पर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिपेंड होता है कि भाई उसने कितने इलेक्ट्रॉन को लिया है या दिया है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो उसका चार्ज उतना पॉजिटिव बनेगा। अगर किसी भी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया या डोनेट किया, यानी कि उसका चार्ज प्लस वन बनेगा, और अगर उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो प्लस टू बनेगा, लेकिन अगर उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो उसका चार्ज नेगेटिव बनेगा। अल्कली मेटल्स फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज बाय डोनेटिंग electrons and
हेलोजेंस फॉर्म्स नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकेंड पॉस्टुलेट है, ठीक है, जो उन्होंने बताया। थर्ड पॉस्टुलेट है, अब ये कब तक ये द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन थस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यही जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बन गया है ना, उसके बाद वही एटम का स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो चुका होगा बाय अटेनिंग द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। द एटम अटेन्स नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दैट इज NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अलावा सारे नोबल गैस के NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अलावा सबके NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये थर्ड पॉस्टुलेट था। अब बेसिकली एटम्स क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन एंड लूज कर रहे हैं, तो वो यही रीजन की वजह से कर रहे हैं कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करने के बाद स्टेबल भी तो होगा, तो कैसे रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो स्टेबलाइज होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस तरह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़े हुए रहते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की बात है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस लिखना पड़ेगा इधर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर समझेंगे कि ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर लेक्चर के बाद नोट्स भी बना देना। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग दो एग्जांपल लेकर समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, छाप लिया, चलो लेट्स डू द टॉपिक, लेट्स डू द एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक। लाइक वी वांट टू फॉर्म NaCl। एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा हूं। लाइक हमने सोडियम लिया Na, जिसका एटॉमिक नंबर होता है Z=11, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-1। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ बनाता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2-8 हो गया, तो आउटर मोस्ट में इसके कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए, यानी कि इसने ऑक्टेट को अटेन कर लिया। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो किया, पर वो तभी डोनेट कर सकता है जब सामने कोई गेन करने वाला हो। दान तभी बोलते हैं जब हमने किसी को पैसे दिए, हम ऐसे ही रास्ते में जाके पैसे रख के आएंगे तो दान थोड़ी हुआ है। किसी को दिया, कोई मंदिर में जाकर रख दिए, किसी को हेल्प कर ली, तो वही तो दान हुआ। समझ में आया कि नहीं, तो सेम वे यहां पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया, पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन किया। अब देखो जरा ध्यान से, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17,
कॉन्फ़िगरेशन 287, देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता तो हम लोग 1s2 2s2 वो वाला लिखते, तो सात तो थे, ऑक्टेट करने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपने सात इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे। पर इजियर क्या है उसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सीएल माइनस यानी कि नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। अब ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव कंबाइन होते हैं, ये क्या होता है, ये एन ए प्लस एंड ये सी एल माइनस कंबाइन होकर एन ए सी एल का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां पर ये जो एन ए सी एल है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन है, उनको साथ में रखने वाला कोई ना कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो होगा ही होगा, क्लियर है। अब यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को साथ में रखता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कीप्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कीप्स keeps these ions together and this bond is called electrovalent bond, यानी कि वैलेंसी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे बना हुआ बॉन्ड, क्या बोल दिया हमने, That is electrovalent bond. क्या बोल दिया हमने, That is electrovalent bond. ठीक है, इसको भी it is also called as ionic bond. इसको ionic bond भी बोलते हैं. It is also called as ionic bond. इसको ionic bond भी बोलते हैं. It is also called as ionic bond. चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, पर हम लोग टेक्स्ट बुक के दो एग्जाम्पल दिए हैं, वो दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक मैग्नेशियम है तो उसका जेड इक्वल टू कितना होता है, 12, कॉन्फिगरेशन 2.8.2। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मैग्नेशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो है, तो उसको अगर ऑक्टेट करना है तो वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या सिक्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, विच वन इज द इजियर ऑप्शन फॉर इट, तो टू इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इज द इजियर ऑप्शन, सो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म Mg2+ एंड नाउ इट हैज 2.8 एंड इट हैज अटेन्ड द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। Now as it is donating to electrons, there should be some atom which can gain electrons. Then only it can donate it. तो यहां पर हमने क्या कर लिया, दो Cl लिया है। अब Cl के बारे में तो आपको पता ही, it is 2.8.7। ये दो Cl ने दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2Cl- बनाया, क्या बनाया, 2Cl-। अब ये दोनों कंबाइन होकर ये Mg2+ एंड 2Cl- कंबाइन होकर क्या बनाएगा, MgCl2, क्या बनाएगा, MgCl। और यहां पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इसका पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग या तो बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोसेल के पोस्टुलेट से हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता चली, कोसेल के पोस्टुलेट से हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई, ठीक है। और यहां पर हमारा 4.1 का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके 4.1.1 और 4.1.2 के टॉपिक की शुरुआत होगी। यही तो होता है आयनिक बॉन्ड में, हमने यहां पर दो एग्जांपल्स लिए हैं आयनिक बॉन्ड्स के।
आयनिक बॉन्ड में इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब अगले लेक्चर में हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे एंड हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप के आज के लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा एंड आपको मजा भी आया होगा। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। मैंने जो यहां पर बोर्ड पे लिखा है उसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना और उसकी नोट्स बनाना। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जितना भी लिखा वो सारे चीज़ों की नोट्स बनाओ, ठीक है। हर बार टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा भी मिलेगा आपको मेरे डेटा से। ओके बाय बच्चों।